अगर आप एक क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है या फिर आप क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं, ये दोनों कंडीशन में आपको ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए जहां पर आपको एनुअली फीस नहीं लगता है। साथ ही बता दूंगा आपको इस वीडियो में कैसे आप क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज़ करेंगे ताकि आपका जो पैसा है सेफ रहे और आपको इंटरेस्ट देना ना पड़े, क्योंकि क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको पता ही होगा एक दिन स्किप करेंगे तो आपको कितना इंटरेस्ट पड़ता है। सो आपको इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे स्मार्टली यूज़ करना है ताकि आपको कोई भी एक भी पैसा आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप एक ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो आपको पता होगा आपके हर साल एक चार्ज करता है ज्वाइनिंग फीस। तो सबसे पहले बात करेंगे ज्वाइनिंग फीस की और एनुअल फीस की। ज्वाइनिंग फीस मतलब तब जब आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के लिए आप अप्लाई करते हैं तब आपको एक फ़ीस देना होता है जिसको हम ज्वाइनिंग फीस बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आप कौन सा एक बैंक में जिसमें आपको सेविंग बैंक या फिर करेंट अकाउंट है जहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन अच्छा है तो उस बैंक की तरफ से भी ऑफर आता है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है। वहाँ पर आपको कॉल आता है और जैसे आप एग्री होंगे उस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए तो आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग फीस जो है वो कट जाता है, आपको नहीं लगना होता है, मतलब आपको देना नहीं होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आप ऑनलाइन से अप्लाई करते हैं या फिर कहीं और से अप्लाई करते हैं या फिर डायरेक्टली बैंक से भी अप्लाई करते हैं, वहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड एक सेक्शन होता है तो वहाँ से भी आपको ज्वाइनिंग फीस देना होता है, कई बार नहीं होता है, तो आपको ये बातों का ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं एनुअल फीस की। एनुअल मतलब हर साल एक पैसा करता है। जैसे कि मेरा केस में क्या हुआ, मेरे को कॉल आया बैंक की तरफ से और क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए अप्लाई करने के लिए वो बोले, मैं जैसे एग्री किया उसके बाद वो फ्री वाला मेरे को क्रेडिट कार्ड दिए जहाँ पर ज्वाइनिंग फीस भी नहीं देना होगा या फिर जो एनुअल फीस आपको हर साल जो करता है आपको नहीं देना होगा, ऐसा बोले इसके बाद मैं एग्री किया। तो अगर आप एनुअल फीस नहीं देना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर लिमिटेड थोड़ा ऑफर मिलता है, लेकिन एनुअल फीस में अगर आपको वहाँ पर 1500 या फिर 1800 लेते हैं, 20-2500 भी लेते हैं तो आपको वहाँ पर एक ज़बरदस्त ऑफर भी होता है जहाँ पर अगर आप यूज़ करेंगे तो वो 2500 भी आपका छूट जाता है। जैसे कि आपको मिला, आपको बोला गया कि आपको 2000 रुपये एनुअल फ़ीस देना होगा, ज्वाइनिंग फीस तो छोड़ दिए, एनुअल फीस देना होगा, तो आप बोले ठीक है। इसके बाद आप यूज़ करें, आपको बोला जाता है कि 1 लाख आपको एक साल में यूज़ करना है। अगर आप 1 लाख लिमिट यूज़ करते हैं तो आपका जो है 2500 या फिर 2000 जो ज्वाइनिंग फीस के तौर पर कटना था वो आपको एक अमेजन वाउचर कार्ड के या फिर कोई गिफ्ट वाउचर दे जाएंगे आपकी ईमेल आईडी पर, वो आपको रिडीम करना होगा, कुछ ही दिनों के अंदर ही रिडीम करना होता है। तो जैसे आप रिडीम करेंगे वह पैसा आपके अमेजन अकाउंट में आ जाता है या फिर जिस भी वाउचर देंगे उसी अकाउंट में आ जाता है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है कि आपका एनुअल फीस कटने वाला है या फिर नहीं। लेकिन पहले पहले अगर आप यूज़ करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड तो आपको बिना एनुअल फीस वाला क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद बात करेंगे वो लोगों को जो लोग कि अपना क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करना चाहते हैं, मतलब कि आपके पास एक बैंक का क्रेडिट कार्ड है लेकिन आप कोई और बैंक का क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं लेकिन पहला वाला जो कार्ड है उसे भी यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है। आपको बताओ क्या क्रेडिट कार्ड का मतलब है, उधारी का खाता। अगर आप उधारी का खाता जितना बड़ा करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके माथे पे उल्टा टेंशन हो जाएगा, तो जितना कम करेंगे मेरे हिसाब से तो एक यूज करें और बहुत ही इमरजेंसी है तो आप 2 बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करें। हाँ, अगर आप स्मार्टली यूज़ करना चाहते हैं, मतलब कि बहुत सारा बैंकों का यूज़ भी करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पेमेंट छूटा या फिर आपने पेमेंट कर दिए हैं, आपको वो ध्यान देना होता है। एक भी पेमेंट अगर आप मिस कर देंगे तो हैवी पेनल्टी लगता है, इसीलिए आपको एक ही या फिर 2 बैंकों का क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से। साथ ही बता दें, अगर आप एक नया कार्ड आपने ऑलरेडी ले चुके थे पिछले साल और उसे आप अच्छा ट्रांजेक्शन कर रहे थे, इसके बाद आपको एक और बैंक से ऑफ़र आया कि आपको इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के बाद बहुत अच्छा ऑफ़र मिलेगा, अच्छी बात ये है ऑफ़र तो मिलेगा लेकिन पुराना जो कार्ड है उसमें आपका ट्रांजेक्शन है आपका वो सिविल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप वहाँ पर कितना पैसे लिए हैं लोन की तरफ से, मतलब कि आपको कितना यूज़ किए हैं, इसके बाद आप कितना पे किए हैं टाइमली वो आपको दिखा जाता है, इसके बाद उसी के ऊपर ही डिपेंड होता है आपका सिविल स्कोर जो कि आपको लोन भी मिलता है आगे चल के। तो आपको वो पुराना कार्ड को मेरे हिसाब से अगर उसमें एनुअल फीस लगता है तो आपको उस कंपनी से बात करके, वो बैंक से बात करके वो चार्ज को आपको मतलब बंद करना चाहिए और बहुत ही लिमिटेड ऑफर भी मिलता है तब भी आपको पुराना कार्ड यूज़ करना चाहिए, वो रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपका सिबिल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए भले आप उसे यूज़ ना करो क्योंकि अगर आप वहाँ पर यूज़ भी नहीं करेंगे और एनुअल फीस देना होगा तो आपका ऐसे ही नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप नया क्रेडिट कार्ड में तब्दील करना चाहते हैं
तो पुराना वाला कार्ड को भी यूज़ करें, लेकिन ध्यान रहे पुराना वाला कार्ड में एनुअली फ़ीस ना लगता, क्योंकि अगर आप नया वाला कार्ड को यूज़ करेंगे लेकिन पुराना वाला कार्ड में एनुअली फ़ीस लगेगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। आप उस कस्टमर के से पुराना वाला जो क्रेडिट कार्ड है उस बैंक से कस्टमर से बात करें और उस एनुअली फ़ीस को आपको कट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, और वहाँ पर थोड़ा सा ट्रांजेक्शन भले ही कम हो लेकिन वहाँ पर एनुअली फ़ीस कैसे कम हो उसके बारे में आप उनसे डिस्कस करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है जिसमें 1 लाख तक का लिमिट है, तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि 1 लाख का लिमिट को आपको पूरा नहीं यूज करना है, आपको कम यूज करना है। जैसे कि 1 लाख का लिमिट है तो आप 30 से 40 हज़ार यूज करें, बहुत ही बेहतर है। अगर आपका उतना ही काम है तो उतना ही करिए, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड जितना ज़्यादा यूज होगा अगर टाइमली आप पेमेंट कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की तरफ से भी लोन आता है और साथ ही उस बैंक की तरफ से भी आपको ट्रांजैक्शन को देखकर ही लोन मिलता है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो जितना ज़्यादा लिमिट है उसे यूज़ तो करें, लेकिन ध्यान रहे कि आप उसको पेमेंट कर सके। आपके पास 1 लाख वाला कार्ड है तो आप हर महीने 90,000 अगर यूज करेंगे तो आपका कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप हर महीने 90,000 बिफोर डे आपको देना चाहिए, मतलब कि आपका जो डेट ऑफ क्लोजिंग है जहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट होता है वहाँ से पहले आपको देना चाहिए। आप अगर पे कर पाएंगे तो ही आप यूज़ करें, नहीं तो कम ही यूज़ करें जितना आपको चाहिए होता। इसके बाद पेमेंट ऑप्शन में एक चीज़ होता है मिनिमम पे और फुल अमाउंट। काफ़ी सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जिसमें आप उस बैंक का सेविंग अकाउंट का जो एप्लीकेशन है, मतलब कि उस कंपनी का जो एप्लीकेशन है उसको यूज़ करके काफ़ी सारे लोग पेमेंट करते हैं। कुछ लोग सेविंग अकाउंट से ही डायरेक्ट ऑटो डेबिट कर देते हैं जो कि ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है, लेकिन कुछ लोग डिडक्ट नहीं कराते हैं, मैनुअली पेमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए ये बात है। तो अगर आप मतलब कि अगर आप लास्ट महीने में, क्योंकि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि 18 से लेकर 21 तारीख के बीच में आपका बिल जनरेट होगा, नेक्स्ट मंथ की 7th डेट के अंदर आपको पे करना होता है पैसा। तो अगर आप 7 तारीख देखेंगे तो आपको वहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा, एक है फुल अमाउंट और एक है मिनिमम अमाउंट। मतलब कि अगर आप लास्ट महीने में 10,000 रुपीज़ यूज़ किए हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मिनिमम पेमेंट कर देते हैं, जैसे कि आपका 10,000 आपने यूज़ किया था लास्ट महीने में तो उसका 1 या फिर 2,000 होता है मिनिमम पेमेंट। उसका जो 8,000 आपने बैलेंस कर दिए आप सोचेंगे कि मैं नेक्स्ट महीने पेमेंट कर दूंगा, लेकिन उसका जो है आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो 2-3 कार्ड यूज कर रहा हूं तो इसका जो है इस महीने नहीं करूंगा, नेक्स्ट महीने करूंगा। तो उस बाकी का जो बैलेंस आपने जो छूट कर दी है, मतलब कि आपने जो स्किप कर दिए हैं, जैसे कि आपका 10,000 था आपने 2,000 ही पेमेंट किया मिनिमम पे में, तो आपको वहाँ पर 8,000 का जो है वो इंटरेस्ट पड़ जाएगा, तो वो हैवी अमाउंट होता है, थोड़ा सा आपको वहाँ पर दिखना होता है। इसीलिए कभी भी मिनिमम पे मत कीजिए, फुल अमाउंट ही पे करें। काफ़ी सारे लोग ATM मशीन में जाके अपना क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर लेते हैं और पैसे निकालते हैं। अगर आप ऐसा बहुत ही इमरजेंसी के केस में अगर आपको करना है, वहाँ पर कोई रास्ता नहीं है तो ही करें, क्योंकि आपको वहाँ पर जब भी आप पैसा निकालेंगे उसी दिन से लेकर जब तक आप पेमेंट ना करें उसमें हाई परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, जिसको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बात है कि जब भी आपको इस तरीके का कोई इमरजेंसी आए, आपके पास क्रेडिट कार्ड है जिसमें 20-30 हज़ार का लिमिट है और आपको बहुत ही इमरजेंसी है पैसे लेने का, तो कैश उड़ल तो करें बहुत ही इमरजेंसी के केस में, लेकिन आपको वहाँ पर एक चांस लेना चाहिए। आपके पास अगल बगल में कहीं पे एक पेट्रोल पंप है या फिर कोई क्लॉथ स्टोर है तो आप वहाँ पर जाके स्वाइप कर सकते हैं, उनसे आप 2-3 मतलब 1-2% अगर आप देंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू कैश उड़ल, क्योंकि कैश उड़ल में बहुत सारा चार्ज लगता है। तो इसीलिए जब भी आपको पैसा बहुत ही इमरजेंसी हो तो आप वहाँ पर जाके कन्वर्ट कर सकते हैं अपना कैश को। अभी लास्ट में बात करेंगे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन मर्चेंट एप्लीकेशन ओपन करते हैं जहां पर आपको कोई शॉपिंग का वहां पर दिख जाएगा कि आपको ये ऑर्डर करना है, ये ऑफर है, तो आप फटाफट वहां पर ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि पैसा जेब में होता नहीं है, सेविंग अकाउंट में भी होता नहीं है, क्रेडिट कार्ड में पैसा पड़ा है तो चलो ऑर्डर कर लो, लेकिन एक एक ऑर्डर का मतलब कि आप 200 ऑर्डर किए, कल 300-400 करें, ऐसे ऐसे करके आप महीने भर में 5,000 हो जाएगा, उसके बाद अगर आपका कमाई उतना नहीं होगा तो आप पे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भी आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें सोच समझ कर ही आप यूज़ करें, क्योंकि ऐसे ही अगर आप यूज़ करेंगे क्रेडिट कार्ड को तो हर महीने आप पैसा नहीं दे पाएंगे, जहां पर आपको हैवी अमाउंट का आपको पे करना होता है आप सोच रहेंगे, मतलब कि आप यहां पर खुद ही खरीदें हैं अपने हिसाब से, अपना घर का अपना ड्रेस वगैरह सब कुछ खरीद ले हैं, जब भी बिल देने की बारी आती है तो अरे ये तो मेरे लिए नहीं, इतना पैसा कैसे हो गया बोल के आप डिस्कस कर लेते हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं जितना आप समझ लो ये इतना पैसा अपने दोस्त आपने उधार लिए हैं, तो उसी उधार को आपको बिफोर डे में आपको देना होता है, तो ये बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए।
आई होप कि इस वीडियो में जो आपको पॉइंट बताया आपको समझ में आएगा होगा कैसे आपको यूज करना है क्रेडिट कार्ड को। अगर आपको पॉइंट्स अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और इस बीच कोई भी पॉइंट्स मिस हो गया तो आप इस वीडियो के नीचे अपना सुझाव कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी सारे लोगों को पता चल सकता है कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का कोई और पॉइंट्स भी है।